टेलीस्कोप उन डिवाइसेस को कहते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमसे लाखों या करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। टेलीस्कोप हमसे बहुत दूर चीज़ों को मैग्नीफाई या बहुत बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। हमारा आपसे क्वेश्चन था कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीस्कोप, यानी सबसे पहले टेलीस्कोप किसने बनाया। तो इसका आंसर है कि सबसे पहले टेलीस्कोप हैंस लिपरशे ने 1600s में बनाया। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला टेलीस्कोप हैंस लिपरशे ने बनाया था। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने टेलीस्कोप को और बेहतर बनाया, उनमें से एक गैलीलियो भी थे। इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेस सिंप्लीफाइड बाय AVGV पर, और इस वीडियो में हम आपको टेलीस्कोप्स के बारे में बताएंगे। सो लेट्स गो। ज़्यादातर टेलीस्कोप, या कहें तो सारे बड़े टेलीस्कोप, कर्व्ड मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कर्व्ड मिरर्स स्पेस से आ रही लाइट को इकट्ठा करते हैं और उसे फोकस करके हमें स्पेस में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाते हैं। पुराने टेलीस्कोप्स कर्व्ड मिरर यानी मुड़े हुए ग्लासेस, जिन्हें लेंस बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के टेलीस्कोप मिरर्स या शीशों का इस्तेमाल करते हैं। नए टेलीस्कोप्स मिरर का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिरर लेंसेस से ज़्यादा हल्के होते हैं, साथ ही साथ हम मिरर को आसानी से चिकना कर सकते हैं या स्मूथ कर सकते हैं। टेलीस्कोप्स में लार्ज मिरर्स या लेंसेस को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बहुत ही दूर से आने वाली हल्की सी लाइट को भी डिटेक्ट करके उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि हबल टेलीस्कोप, जिसे नासा ने बनाया है, उसने 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स यानी 1254 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद गैलेक्सीज की लाइट भी कैप्चर कर ली है। इंटरेस्टिंग नो? हम हबल टेलीस्कोप की बात थोड़ी देर में करेंगे। हबल टेलीस्कोप इतनी दूर मौजूद गैलेक्सी की फ़ोटो कैप्चर इसलिए कर पाया है क्योंकि हबल टेलीस्कोप में जो मिरर लगा है वो बहुत बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा मिरर या लेंस टेलीस्कोप में होगा, उतनी ज़्यादा लाइट वो कैप्चर कर पाएगा और दूर मौजूद चीज़ों की फ़ोटो ले पाएगा। टेलीस्कोप के मिरर को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें कि एक भी स्क्रैच नहीं होता और वो परफेक्टली शेप्ड होते हैं ताकि पिक्चर्स एकदम क्लियर और शार्प आएँ। टेलीस्कोप्स दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में थिन लेंसेज यूज होते हैं। इस प्रकार के टेलीस्कोप में एक लार्ज लेंस लगा रहता है जो प्लैनेट्स या स्टार से आने वाली लाइट को बेंड कर देता है। फिर इन टेलीस्कोप में लगा एक स्मॉल लेंस लाइट को मैग्नीफाई और फोकस करता है, जिसके बाद लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम प्लैनेट या स्टार को देख पाते हैं। लेकिन इस टाइप के टेलीस्कोप के कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे अगर हमें बहुत दूर प्रेजेंट गैलेक्सी को देखना है तो हमें बड़े पावरफुल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा लेंस काफ़ी भारी होता है और साथ ही साथ उसे बनाने में बहुत डिफिकल्टी आती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप मिरर से बना होता है। लेंस के मुकाबले मिरर को हम बहुत थिन बना सकते हैं और हम मिरर को बहुत बड़ा बना सकते हैं। इन टेलीस्कोप में लाइट मिरर से बाउंस होकर फोकस होती है और हमें स्टार और गैलेक्सी की इमेज मिलती है। बट एक प्रॉब्लम इन टेलीस्कोप के साथ भी है, वो ये है कि जो इमेज हमें ऑब्टेन होती है वो उल्टी होती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि हम दूसरे मिरर की हेल्प से हमारी इमेज को सीधा कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप की। इस टेलीस्कोप को नासा ने बनाया है और अप्रैल 24, 1990 में लॉन्च किया था। हबल टेलीस्कोप ने, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, कि 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे मौजूद गैलेक्सीज की फ़ोटो खींची है। हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई कुछ इमेजेस ये रही आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस टेलीस्कोप ने कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस क्लिक करी हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप अभी भी हमारी अर्थ का चक्कर लगा रहा है और साइंटिस्ट के अनुसार ये 20 ईयर्स और तक स्पेस में मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी की फ़ोटो खींचता रहेगा। हबल टेलीस्कोप एक स्कूल बस जितना बड़ा है और इसमें मौजूद मिरर की लेंथ 2.4 मीटर्स है। हबल टेलीस्कोप अपनी पावर रिक्वायरमेंट्स को सन की रेस से पूरी करता है। इसमें दो बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हैं। नासा अब एक नए टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 30 मार्च 2021 में लॉन्च करेगा।
यह टेलीस्कोप में 18 गोल्ड प्लेटेड हेक्सागन की शेप में मिरर्स लगे हैं जिनकी कंबाइंड लेंथ 6.5 मीटर्स है। इस टेलीस्कोप में जो सनशील्ड लगी है वो एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है और इस टेलीस्कोप को बनाने की कॉस्ट 7,500 करोड़ रुपीस आई है, मगर आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खींची जाने वाली फर्स्ट इमेज के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको टेलीस्कोप्स के बारे में पता चल गया होगा। अब टाइम है एक क्वेश्चन का, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मच इज 1 लाइट ईयर इन किलोमीटर्स, यानी 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर्स होता है। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको इसका आंसर अपने अगले वीडियो में बताएंगे जो कि स्पेस में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको टेलीस्कोप्स के बारे में ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू डोंट मिस आउट आवर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।